जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर हवलदार आटा कट ऑफ यानी कि हवलदार सर्वियर के बारे में, जो इसकी कट ऑफ है लास्ट ईयर की वो कितनी गई थी, इस बार कितने नंबर वाले बच्चों के लिए, कितने नंबर वाले जो उम्मीदवार हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और इस बार जो फाइनल मेरिट है वह कितनी जा सकती है, तो इसी विषय में आज इस वीडियो में आपसे पूरी बात करूंगा। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर हवलदार एसएससी, हवलदार सर्वियर है ना, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जिसे आटा कटो कहा जाता है, बंगाल इंजीनियर ग्रुप के अंदर भर्ती होते हैं जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर 2018-19 में जो भर्ती आई थी उसकी दोस्तों 20 टोटल वैकेंसी थी, 20 वैकेंसी थी और 20 वैकेंसी में साथियों जो उसकी कट ऑफ गई थी 142 नंबर कट ऑफ गई थी। इसमें भर्ती जो प्रोसेस था, सबसे पहले आपका क्या होता था, फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल, मेडिकल के बाद आपका रिटर्न, रिटर्न के बाद आपका फाइनल मेरिट। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस बार से क्या है, आपका जो भर्ती का जो प्रोसेस है वो क्या बदली हो गया, सबसे पहले आपका क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल मेरिट। तो इस बार जो फाइनल जो सबसे पहले रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम में जो नोटिफिकेशन है साथियों, नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 40% जो नंबर वाले जो बच्चे होंगे रिटर्न एग्जाम के अंदर, उनको क्या है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में, जो कितनी संख्या में जो है वो फॉर्म भरे गए, तो अगर फॉर्म ज़्यादा भरे गए होंगे तो कम से कम साथियों जो इसकी फिजिकल के लिए मेरिट है वो कम से कम आप 100 और 120 के बीच में आप मान के चलिए, 100 नंबर वाले बच्चे या फिर 120 अगर ज़्यादा भरे जाएंगे तो फॉर्म भरे गए होंगे तो 120 जो नंबर है रिटर्न एग्जाम के लिए, उन बच्चों को क्या है, किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और 100 से 120 नंबर वाले बच्चों को क्या है, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए मेडिकल फिजिकल आर्मी का जो फिजिकल है, आपको पता है 1.6 किलोमीटर का रन है, वो क्या एक बहुत मुश्किल रन होता है, उसमें क्या है बहुत सारे बच्चे क्या है बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और टाइम जो नोटिफिकेशन में जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड का, लेकिन साथियों आपको 5 मिनट 45 सेकंड तो पूरा नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा ही टाइम मिलेगा क्योंकि क्या दोस्तों वैकेंसी भी कम है, ठीक है। और बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा है, उम्मीदवार क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपनी फिजिकल की आप तैयारी रखिए, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होता है आप अपनी फिजिकल की तैयारी रखिए, मैंने वीडियो बना रखी है आप उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कैसे आपने 1.6 किलोमीटर को रन करना है। आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार का ये हो गया आपका किसका, फिजिकल के लिए आपका 100 और 120 नंबर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट, ठीक है, आपका फिजिकल में कुछ बच्चे बाहर होंगे, फिर आपका मेडिकल में कुछ बच्चे बाहर किए जाएंगे, फाइनल मेरिट दोस्तों कम से कम आप मान के चलिए 150 या फिर 160 के बीच में फाइनल मेरिट जाने वाली है, कम से कम 150 नंबर और 160 नंबर के बीच तो मेरिट जाएगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी 26 तारीख को पेपर है और जितने भी बच्चे वहाँ पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे मूड को फ्रेश करके जाएं, अपनी जो आपने तैयारी की है आप उस पर अपना विश्वास रखें। कई बच्चे मुझे कॉल करते हैं बोले सर घबराहट होती है अभी से ही, तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपने क्या है जो आपने तैयारी की है, जो आपने पढ़ा है इतने दिनों में, आपने अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपने वहाँ पे क्या है अपना 100% देना है जितना आप दे सकते हैं, अपनी तरफ से आप अपना वहाँ पे बेस्ट दे, होना ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने अपना जो प्रयास है वहाँ पे जाके आपने अपना जो आपने प्रयास किया है, जो आपने प्रैक्टिस की है वहाँ पे फिर आपने पूरा जोर लगाना है, पूरा एफर्ट लगाना है रिटर्न एग्जाम के अंदर। ये नहीं कि वहाँ अपने आप मॉक टेस्ट में जो टेस्ट बुक में बहुत सारे बच्चे मुझे अपना भेजते हैं, ये नहीं कि आपने वहाँ टेस्ट बुक में बहुत अच्छे कर रहे थे और वहाँ पर जाके आप 0% सन्नाटा हो गए, नहीं, वहाँ पे आपने शांत दिमाग रखना है, पूरा माइंड सेट का गेम होता है, आपने दिमाग को शांत रखना है, अच्छे से वहाँ पर बैठना है, शांत दिमाग से वहाँ पर होपलेस नहीं होना, शांत दिमाग से वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करना है, ठीक है। उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और किसी भी बच्चे को क्या है किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है वो कभी भी क्या है मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कॉल कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ, भारतीय सेना और CAPF से संबंधित, भर्ती से संबंधित और भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।